प्रसिद्ध नाटककार श्री विजय तेंदुलकर की अत्यंत विवादास्पद और बहुचर्चित कृति सखाराम बाइंडर का सशक्त और प्राणवान अनुवाद, जिसने रंगमंच पर दाम्पत्य जीवन की गोपनीय नैतिकता का साहसपूर्ण ढंग से पर्दाफाश किया है। सरकारी नियंत्रण को चुनौती देकर उच्चतम न्यायालय से लेखकी अभिव्यक्ति के आधार पर मान्यता पाने वाला अपने ढंग का अकेला और अनूठा नाटक है सखाराम बाइंडर। सखाराम बाइंडर को इस तरह प्रस्तुत किया गया है कि वो आडंबरों से भरी दिखावटी सभ्रांतता को पहली बार इतने सक्षम ढंग से चुनौती देता है। रटे रटाए मूल्यों को सखाराम ही नहीं, इस नाटक के सारे पात्र अपनी पात्रता की खोज में ध्वस्त करते चले जाते हैं। जिन नकली मूल्यों को हम अपने ऊपर आडंबर की तरह थोप कर चिकने चुपड़े बने रहना चाहते हैं, उसे सही सही इस आईने में निर्ममता से उघड़ता हुआ देखते हैं। सखाराम बाइंडर वही आईना है। आखिर सखाराम बाइंडर पर इतना हो हल्ला क्यों? आखिर ये सब क्यों? आइए देखते हैं नाटक सखाराम बाइंडर। मेरा तेरे साथ इस घर में जो औरत रहेगी ब्याही औरत की तरह रहना हो, और सामने रहकर मुझे खाने को ना मिले इसका मायने क्या? 56 पकवान सामने हो और मुझे खाने को ना मिले इसका मतलब क्या? नहीं होगा हमसे, नहीं होगा, जा बाहर जा। अपने आप क्या समझती? कितना गुमान, निकाल के बाहर कर देता हूं मैं सबको। सारी क्या समझती अपने? अच्छा देती है, सब देती है, चुप कर, देती है तुझे, पहले हमें दारू दे। क्या कह रही है? हम दारू दे, दे दारू, दे दारू, दे। ले ले
कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कचरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान, ओ हाय रे मैं तेरे कुर्बान। कहां से गोरी आंखों में प्यार लेके, चढ़ती जवानी की ये पहली बहार लेके, दिल्ली शहर का सारा मीना। ना कचरे की धार। सखाराम, अरे सखाराम, सखाराम आओ दाऊ आओ। अरे काम पे नहीं जाना है क्या तुझे? कौन सा काम? बैठो बैठो। यार सखाराम, तू काम पर नहीं जाएगा तो कैसे नहीं देगा यार तेरा? अरे घर गृहस्थी है तेरी, काम तो करना ही पड़ेगा ना यार। पिछले पूरे हफ्ते से तू काम पर भी नहीं गया। चले जाएंगे जब मन करेगा तब चले जाएंगे। और अगर नौकरी से निकाल दिया तब? नौकरी जाती है तो जाए, अपने राम को फिक्र नहीं, कहीं मजूरी कर लेंगे, कुलीगिरी कर लेंगे। सखाराम माइंडर कभी काम से नहीं डरा है। सखाराम माइंडर अपने अपने डॉल की मशक्कत पार करके इतनी लंबी जिंदगी आए, समझ में आए? ये सखाराम माइंडर ने कभी बाप को बाप नहीं समझा। मां जब तब कहा करती थी ब्राह्मण के घर में चमार ने जन्म लिया है, लिया है तो तुम जानो, तुम्हारे कर्म होंगे जो हम पैदा हुए तुम्हारे घर में, समझे? ये सखाराम माइंडर दाऊ, ये कांटे वाले बबूल की तरह अकेला खड़े होकर इतनी लंबी जिंदगी पार करके आया, इसलिए काम से तो घबराता नहीं हूं मैं। हाँ, चंपा चाहिए मुझे बस, चंपा जैसा कोई नहीं। क्या चंपा 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 लगा रखी है यार तूने? तुझे पता है गांव वाले क्या बातें करते हैं? ये साले गांव वाले, ए गांव वाले, जब सखाराम बाइंडर भूखों मर रहा था तब इनमें से किसी ने भी दो कौर नहीं पूछा खाने के लिए। ये गांव वाले, जब सखाराम बाइंडर मिशन के अस्पताल में बुखार से मर रहा था तब इनमें से किसी ने भी नहीं पूछा कि सखाराम तुम जिंदा हो या मर गए। ये गांव वाले, इनको तो छोड़ो, ये साले लकालक कपड़े में जो दिखते हैं ना, इनके कपड़े उतार कर देखो तो गोबर निकलेगा, वो भी बिल्ली का गू, ना लीपने का ना पोतने का। इसलिए इन गांव वालों का तो छोड़ो तुम, समझे? और मेरे जैसे साफ कोई भी नहीं है इस गांव। हाँ रंडी हमसे साफ, पता है क्यों? क्योंकि ये रंडी कभी हमसे पूछेगी नहीं कि सखाराम तुमने शराब बाज क्यों पिया, सखाराम तुम चंपा के पीछे इतना दीवाना क्यों हुए, सखाराम तुम इतनी औरतों को घर पे क्यों लाया, पूछेगी रंडी? नहीं पूछेगी। क्यों नहीं पूछेगी? क्योंकि रंडी को पता है रंडी और आदमी में कोई फर्क नहीं होता। रंडी और आदमी फर्क होता है, एक फर्क, आदमी झूठा होता है और रंडी झूठ नहीं बोलती।
इसलिए ओ तो सब छोड़ो। लेकिन यार सखाराम, अपने हाल तो अपने आप ही देखना चाहिए ना यार। तेरा ये घर पहले कैसा था यार, और आज क्या हो गया? तुझे पता है अभी उसे गए को ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ है। अरे वो पुराना पंछी लक्ष्मी भाभी कैसा लगता था यार तब। छोड़, कौन सी लक्ष्मी, इतनी आई उतनी गई। ये चंपा जो है उसके नाखून का मैल भी नहीं है लक्ष्मी, चंपा जैसा कोई नहीं। अरे यार क्या चंपा चंपा चंपा, तू पागल हो गया है? मुझे तो समझ में नहीं आता। देख यार, तू मेरा दोस्त है, मेरा काम था तुझे समझाना। जो दिखाई देता है और जो सुनाई देता है ना, अपने को बिल्कुल भी सही नहीं लगता यार। बाकी तेरी मर्जी यार। अच्छा मैं चलता हूं, मुझे काम पे जाना है। सुन, मैं भी प्रेस पे चलता हूं। हाँ चल। चंपा कोई